नमस्कार दोस्तों, एचजी टेक में आपका स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं एचपी की तरफ से आने वाला एक लेजर जेट प्रिंटर। तो आइए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फाइनली हमारे पास आ चुका है एचपी का बॉक्स, जहां पर सामने मेंशन किया हुआ है इसका नाम, जो कि है नेवर स्टॉप लेजर 1000A। इसी के साथ नीचे बताए गए हैं कुछ की फीचर्स। बात करें प्रिंटर की यूएसपी की, तो वो है सेल्फ रिलोडेबल। इसका मतलब है कि आप इसको खुद से रिफिल कर सकते हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो वो आपको बॉक्स पर मेंशन की हुई है अप्रॉक्स 16,000, बट मेरे को एक्चुअल 12,000 में मिला है। तो चलिए फाइनली इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ऊपर हमको रखा हुआ मिल जाता है एक पावर केबल, एक पेपर ड्रम और एक पेपर ड्रम का कवर। बात करते हैं कुछ और बॉक्स कंटेंट की, तो आपको रखी हुई मिल जाएगी एक सेटअप गाइड, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी के साथ आपको मिल जाती है एक यूएसबी केबल, जिससे आप सीधा कनेक्ट कर पाएंगे अपने प्रिंटर को पीसी से। बाकी हटाएंगे हम इन सिक्योरिटीज़ को, तो आप देख पाएंगे अंदर से कुछ ऐसा सिस्टम है। तो दोस्तों, इसमें मैंने सेटअप कर दिया है पेपर ड्रम, जिसकी और सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए इसमें लगा हुआ है एक कवर, जिसको आप कुछ ऐसे निकाल और वापस लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसे अपने पीसी के साथ सेटअप कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसे सेटअप कर लिया है। आपको इसका ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए सिंपली जाना है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में। जहाँ पर आप सर्च करेंगे HP स्मार्ट, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहले से ही इसे इंस्टॉल कर लिया है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक सैम्पल प्रिंट करके दिखाता हूँ। दोस्तों, हम प्रिंट करेंगे इस फोटो को। सिंपली आपको एक प्रिंट कमांड देनी है अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करके। तो दोस्तों, फाइनली हमारी फ़ोटो प्रिंट होकर आ चुकी है, जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो बात करते हैं हम कंक्लूज़न की, कि क्या आपके लिए प्रिंटर ठीक है या नहीं है। देखिए, अगर आप एक नॉर्मल यूसेज के लिए प्रिंटर लेना चाहते हैं, जैसे आप अपने हाउस होल्ड के लिए प्रिंटर अगर यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके लिए प्रिंटर ठीक नहीं है, क्योंकि ये आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ेगा। मेनली ये प्रिंटर जो है उन लोगों के लिए फोकस में लेकर बनाया गया है, जो कि इससे प्रोडक्टिव काम करना चाहते हैं, मीन्स तो अपने ऑफिस वर्क के लिए यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि यह मशीन काफ़ी पावरफुल है, जो कि हाउस होल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा एनफ है। तो हाउस होल्ड के लिए आप कोई भी सस्ता प्रिंटर ले सकते हैं, जो कि इंकजेट वगैरह में हो। तो इस प्रिंटर को सिर्फ ऑफिस वर्क को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जहाँ पे हैवी टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।